सब्सक्राइब आवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अम्बोली महाराष्ट्र राज्य में लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना एक सुंदर व छोटा सा हिल स्टेशन है। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सह्याद्री पर्वतमाला में बना है, जो सिंधुदुर्ग जिले में है। ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बोली शहर का उपयोग एक ऊंची पोस्ट के रूप में होता था, जहां से मध्य व दक्षिण भारत में सैनिकों के लिए चौकियां बनाई जाती थी। 1880 में अम्बोली को एक हिल स्टेशन घोषित कर दिया गया। सावंतवाड़ी के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों से भी पहले इस जगह की खूबसूरती को खोज लिया था। मानसून में महाराष्ट्र का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान होने के कारण अंग्रेजों ने इस स्थान को गर्मियों में अपना पसंदीदा स्थल बना लिया। सप्ताहांत बिताने के लिए अम्बोली एक बहुत ही अच्छी जगह है, साथ ही रोमांटिक स्थान भी है। भागती दौड़ती जिंदगी की रफ्तार कुछ कम करने के लिए आप यहां आ सकते हैं। अम्बोली झरनों का स्वर्ग भी है। यहां पाए जाने वाले अनेक झरनों में कुछ झरने श्री गांवकर झरना, महादेव झरना व नंगरता झरना है। नंगरता झरना पिकनिक और आराम के लिए एक बेहतरीन जगह है। हिरने कैसी झरने की गुफाओं के मुख के पास एक छोटा सा पुरातन शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर स्वयं शिव जी ने बनाया था। हिरने कैसी मंदिर को यह नाम पार्वती से मिला, जो उन्हीं का एक नाम है। चूंकि अम्बोली एक हिल स्टेशन है, इसलिए गर्मियों में जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर होने से गर्मियों में यहां का मौसम ठंडा रहता है। मानसून में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने से इस जगह पर रहना सुखद होता है। सावंतवाड़ी और गोवा के पास होने से वायु, रेल, सड़क द्वारा आप आसानी से अम्बोली पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग से आने के लिए लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित गोवा का घरेलू हवाई अड्डा सबसे समीप है। रेल मार्ग से आने के लिए सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ, एंड कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें।